नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट शुगर फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया से अगर आप शुगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो टॉप 10 क्या कौन से प्रोड्यूसर है जो कि शुगर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर डिमांड कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एच एस कोड क्या है, ईपीसी क्या है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, इंपोर्टर कौन है, इसका टाइप क्या है, किस किस वैरायटी में अवेलेबल है इंडिया में, किस किस वैरायटी में अवेलेबल है, किस प्राइस पे यहां से आप ले सकते हैं, किस प्राइस पे आप इसको एफओबी वैल्यू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सिडी कुछ गवर्नमेंट ने इसमें दिया है क्या, वो सब, और सोर्सिंग इसका कहां से कर सकते हैं अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है टॉप प्रोड्यूसर, यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कितने नंबर पे आता है वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉप प्रोड्यूसर है ब्राजील, यानी ब्राजील सबसे ज्यादा यहां पर पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 29.93 मिलियन मीट्रिक टन, यानी अराउंड 30 मिलियन टन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अकेला ब्राजील। नंबर दो, सेकंड पॉइंट पे आता है इंडिया, यानी हमारी कंट्री भी पीछे नहीं है, वो भी अराउंड उसके आसपास ही कर रहा है, दैट इज 28.9 मिलियन मीट्रिक टन, ये अराउंड वी कैन से 29 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया से, जो शुगर केन से हम गन्ना से प्रोसेस करके शुगर निकालते हैं। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ सो डाटा उठा के जो मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ में डाटा के साथ में आपके बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑफ 2019 एंड 20। थर्ड नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन, यानी यू, तो यू कर रहा है 16.1 मिलियन मीट्रिक टन का, यानी 16.1 मीट्रिक टन का, मिलियन मीट्रिक टन का। नेक्स्ट नंबर पे आता है चाइना, चाइना कर रहा है यहाँ पर 10.2 मिलियन मीट्रिक टन। देखिए चाइना यहाँ पर थोड़ा प्रोड्यूसिंग में भी पीछे है और एक्सपोर्ट में भी पीछे है, तो यहाँ पर हमारा दबदबा है और हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है 10.65 मिलियन मीट्रिक टन, तो अच्छा प्रोड्यूस है, अच्छा हमारा भी प्रोडक्शन है, हम भी उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम आता है उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है व्हाई एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, यानी शुगर को हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्यों लेके जाना चाहिए। हमारा इंडिया का खुद का कंजम्पशन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो हम उसको एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए। देखिए कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में भी, लेकिन जो प्राइस पे यहाँ पे बिक रहा है, जो प्राइस पे हम यहाँ पे दे रही, जो शुगर मिल्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं शुगर की, तो उनको क्या फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, और वो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनके ड्यूज बहुत बचे हुए हैं। अभी अगर आप अभी का 2019-20 मैं डाटा उठा के बात कर रहा हूं, तो फार्मर्स का यहां पर 25,000 करोड़ का यहां पर ड्यूज बचा हुआ है, दैट इज अराउंड 3 बिलियन यूएस डॉलर, तो बहुत ज्यादा ड्यूज बचा हुआ है। यानी आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप माने कि आप अभी काम कर रहे हैं और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, इस महीने आपने काम किया और आपकी सैलरी नहीं आई, फिर अगले महीने आपने काम किया आपकी सैलरी नहीं आई है, तो आप कब तक काम करते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा कि सब्सिडी दिया है, उसको अनाउंस किया, कैबिनेट ने डिसीजन दे दिया है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टॉप इंपोर्टर्स, यानी डिमांड कहां कहां पे, किस किस कंट्री में डिमांड है, आप कहां पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से लेके। अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मर्चेंट एक्सपोर्टर्स भी हैं तो भी आप इसका रुख कर सकते हैं। तो नंबर वन पे आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी अच्छी क्वांटिटी में हमसे इंपोर्ट करता है, और आप पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है, तो आप इंडोनेशिया को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप शुगर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो नंबर दो पे आता है चाइना, यानी चाइना में देखिए 10.2 मिलियन मीट्रिक टन का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी आबादी भी तो वहाँ पर बहुत है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ 138 करोड़ हम लोग हैं, चाइना भी 148 है, यानी हमसे 10 करोड़ ज़्यादा ही है, 148 करोड़ लोग वहाँ पर हैं। तो अभी चीनी का जो शुगर होती है, शुगर का कंजम्पशन तो होगा ही, तो उनका प्रोडक्शन कम है, तो उनको ऑब्वियसली कहीं से ना कहीं से तो इम्पोर्ट करना होगा, तो वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, नंबर दो पे वो आते हैं, इंडिया से भी वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है यूएसए, यानी यूएसए एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है, तो यूएसए में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है सभी कंट्रीज के साथ में, अभी चाइना के साथ में भले ही उनका ट्रेड वार चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है यूएई,
यानी दुबई में हम जैसे एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, तो दुबई में भी आप शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश पास की कंट्री है। अगर बांग्लादेश में क्या क्या हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं एक वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके उसको भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है अल्जीरिया, अल्जीरिया में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप शुगर का बिजनेस कर रहे हैं या फिर शुगर के किसी भी बिजनेस से लिंक्ड हैं तो आप रुख कर सकते हैं अल्जीरिया का। मलेशिया, उसके बाद आता है मलेशिया, मलेशिया में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं शुगर का। नेक्स्ट आता है जर्मनी, यानी जर्मनी भी काफी मात्रा में हमसे इंपोर्ट कराता है शुगर, तो शुगर वहां पे आप, क्योंकि वहां पे क्या है शुगर चुकंदर से बनती है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे शुगर के नहीं होता है, चुकंदर से, जो आपने रेड कलर का चुकंदर देखा होगा आप सलाद में चुकंदर खाते हैं तो उससे शुगर बनती है, और एक लीफ आता है उनका पत्ता आता है उसके शुगर, उससे भी चुकंदर, उससे भी वो लोग शुगर बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उससे अच्छी क्वांटिटी का ये शुगर बनता है जो कि मीठा होता है, उसमें मतलब कम क्वांटिटी आप घोलने में किसी में, जैसे अगर पानी आप बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कम क्वांटिटी डालने में भी आपका अच्छा अधिक मात्रा में मीठा होगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है एच एस कोड, तो देखिए ये एच एस कोड आता है इसमें 1701-1090, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि शुगर के लिए कौन सा एच एस कोड है, तो आपको इजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीसी की अगर बात करें तो ईपीसी यहाँ पे अपेड़ा आता है, जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप इसको सभी जानते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप एक्सपोर्टर्स, यानी वो कौन टॉप एक्सपोर्टर्स हैं जो कि सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं शुगर का, तो सबसे पहले नंबर पे आता है ब्राजील। देखिए ब्राजील में प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा हो रहा है, दैट इज अराउंड 30 मिलियन मीट्रिक टन का, और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कितना कर रहा है 19.9 मिलियन मीट्रिक टन का, यानी अराउंड 20 मिलियन मीट्रिक टन का, यानी 30 मिलियन टन का वो प्रोडक्शन कर रहा है और 20 मिलियन टन का वो एक्सपोर्ट कर दे रहा है, यानी 10 मिलियन टन का ही उसका खुद का कंजम्पशन है। नेक्स्ट नंबर पे आता है थाईलैंड, थाईलैंड 10.65 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है, ईयू भी एक्सपोर्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, फिफ्थ नंबर पे इंडिया आता है, यहां पे वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, यानी शुगर को हम जैसे सेकंड नंबर के हम प्रोड्यूसर हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अराउंड 29 मिलियन मीट्रिक टन, और हम एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो हम 6 नंबर पे आते हैं, तो 6 नंबर से हम 2 नंबर पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अधिक, हमारे कंट्री का खुद का कंजम्पशन है जरूर है ये मानता हूं मैं, लेकिन हम जो 6 नंबर पे हम एक्सपोर्ट में आ रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट में हम 2 नंबर पे भी आ रहे हैं, फिर हम उसके बाद 1 नंबर पे भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, आपके साथ की ज़रूरत है, आप एक्सपोर्ट में आइए, शुगर का एक्सपोर्ट आप बढ़ाइए और अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व को लेके आइए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टाइप ऑफ शुगर, यानी किस किस टाइप की शुगर अवेलेबल होती है या मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले होता है, जैसे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं अपने घरों में देखते हैं, व्हाइट कलर की शुगर होती है, तो इंडिया में ये ज्यादा चलती है, तो व्हाइट शुगर हो गया, उसके बाद में फ्रूट शुगर होता है जो कि फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है मशीन से, तो वो इंडिया में कम चलता है लेकिन उसका ट्रेड होता है फ्रूट शुगर। नेक्स्ट उसके बाद होता है बेकरी शुगर, बेकरी शुगर में मतलब छोटे, उसका दाना छोटा होता है, नॉर्मली जो हम घर में अपना शुगर यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, उसका दाना मोटा होता है, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंसरी शुगर, तो ये भी एक्सपोर्ट होता है और ये भी ट्रेड होता है। नेक्स्ट आता है सुपर फाइन शुगर, यानी बिल्कुल उसका पाउडर टाइप से होता है, जैसे आपने साल्ट देखा होगा तो बिल्कुल पाउडर टाइप से रहता है या बहुत फाइन रहता है, तो वो भी एक्सपोर्ट होता है, इस फॉर्म में भी एक्सपोर्ट होता है, उसको ग्राइंड करना पड़ता है फर्दर, उसको जो हमारा जो मोटा दाना होता है तो उससे सुपर फाइन शुगर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कोर्स शुगर, यानी जो हमारा मोटा दाना होता है कोर्स, उसको जो मोटा बोलते हैं उसको, वो कोर्स शुगर होता है, वो भी एक्सपोर्ट होता है उसी फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ब्राउन शुगर, जिसको शक्कर बोलते हैं ब्राउन शुगर, वो भी एक्सपोर्ट होता है, अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड शुगर, यानी ये भी बहुत एक्सपोर्ट होता है कि उसको शुगर को वाटर में डाल के उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको लिक्विड शुगर बनाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में कंटेनर में जाता है, मतलब टैंक में जाता है, और ये एक्सपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज से। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्राइसिंग की, यानी अगर इंडिया से आपको बल्क क्वांटिटी में लेना, अगर जैसे मैं अभी चीनी लेने के लिए जाता हूँ, शक्कर लेने के लिए जाता हूँ मार्केट में, दुकान पे अपने आसपास में, घर के पास में दुकान से लेने जाता हूँ, तो मुझे अराउंड 40-45 रुपीज़ तक का पर केजी यहाँ से प्राइस मिलता है, लेकिन अगर मैं इसको शुगर मिल से लेता हूँ, डायरेक्ट फैक्ट्री से लेता हूँ, मुझे अराउंड 20 रुपीज़ तक का यहाँ पर केजी का भाव यहाँ पे मिल जाता है, यानी अराउंड 2000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से मिल जाता है, तो पर क्विंटल हम इंडिया में ज़्यादातर टन
नहीं बात करके कुंटल के हिसाब से बात करते हैं, जैसे हमारे किसान लोग भी हैं, किसान भाई भी हैं, तो आप इसको 20 रुपीज पर केजी से लेके एफओबी वैल्यू 36 रुपीज से 40 रुपीज में, ये डाटा उठा के बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे मतलब ऐसे एयर में बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एफओबी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डाटा उठा के मैंने रिसर्च किया है, दैट इज 36 रुपीज टू 40 रुपीज, यानी 3600 से 4000, यानी 3600 से 4000 रुपए के बीच में आपको पर क्विंटल का यहाँ भाव आपको मिल जाएगा। इस पे आप एक्सपोर्ट, ये प्राइस आप रख सकते हैं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बल्क वॉल्यूम में, बल्क वॉल्यूम का बिजनेस है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है सब्सिडी, यानी इंडिया ने अभी, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि कैबिनेट ने डिसीजन दे दिया है, जैसे दो डिसीजन उस दिन हुए हैं, जैसे लास्ट मंथ में जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम भी वहाँ नीलामी होने जा रहा है, जो स्पेक्ट्रम का इसी साल में ड्यू होने जा रहा था, तो वहाँ से भी अच्छा खासा ये जो डिसीजन है वो आया है। और उसी दिन सेम डे में शुगर का भी डिसीजन आया है, जो हमारे किसान भाई है उनको राहत मिलेगी, और जो हमारे मिल है, शुगर मिल से, उनको भी इससे राहत मिलेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहां पे सब्सिडी का ऐलान किया है कि 60 लाख मीट्रिक टन का आप शुगर एक्सपोर्ट कीजिए, और आपको उसके लिए अलॉट किया है एक अलग से 3600 करोड़ का, यानी 3600 करोड़ का आपको सब्सिडी अलॉट किया गया है, तो आप 60 लाख तक का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो 3600 करोड़ की हम यूएसडी में अगर बात करें, तो दैट इज अराउंड 475 मिलियन यूएसडी, तो अच्छा खासा सब्सिडी दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट। तो आप भी अगर शुगर के किसी बिजनेस से लिंक है, तो आप शुगर का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आपको शुगर कहां से लेना चाहिए और कहां से आपको सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा। तो नंबर वन पे आता है यहां पे उत्तर प्रदेश, जिसका जनसंख्या भी अच्छा है, एरिया वाइज भी वो बड़ा है, तो यूपी उत्तर प्रदेश से आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में लो प्राइस पे आप इसको परचेस कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं। नंबर दो पे आता है महाराष्ट्र। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेता हूँ। टॉप 10 जो जहाँ से आप ले सकते हैं, यूपी आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तराखंड। तो ये 10 टॉप 10 मेरे ऐसे रिसर्च में जो मिला है मुझे, टॉप 10 स्टेट्स हैं जहाँ से आप रिसोर्सेज कर सकते हैं शुगर का, और आप शुगर लेके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, तो सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के आप नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाइए, इंडिया में फॉरेन रिजर्व को लेके आइए, अपनी कंट्री का इकोनॉमी डेवलप कीजिए, और हमारा सपोर्ट कीजिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।